Hello and welcome to the 16th episode of Mission Admission. I am Aditya Yadav and you are watching the Social Indian. In this video, हम बात करेंगे कि आपको एडमिट कार्ड कब तक मिल जाएंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था. लोग परेशान हो चुके हैं, हिचक चुके हैं, परेशान हैं कि भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा, एडमिट कार्ड लोग देंगे कि नहीं देंगे. जी चिंता मत कीजिए, यूनिवर्सिटी सबको एडमिट कार्ड देगी. आप अभी अपने पेपर पर ध्यान दीजिए, प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए. एडमिट कार्ड का काम जब होगा, जब हो जाएगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी कब देगी. दूसरा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मॉक टेस्ट से आपका क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या बेनिफिट नहीं हो सकता है. अब हम सबसे पहले इस वीडियो में आएंगे मॉक टेस्ट पर, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं ये मानता हूं कि जो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो आपके प्रिपरेटरी टेस्ट होते हैं. प्रिपरेटरी टेस्ट से मेरा मतलब यहां पर यह है कि वे आपके प्रिपरेशन को टेस्ट करते हैं और आपको जज करते हैं, आपको जस्टिफाई करते हैं, कि आपको एक लिमिट दे देते हैं कि भाई आपकी इतनी लिमिट है, आप इतने लिमिट तक जा रहे हैं, आपको इतना एक्सटेंड करना है. तो अगर आपके मॉक टेस्ट में अभी जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं और आप 7 दिन के बाद कितना ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे वो आपको देखना है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि आपके कितने मार्क्स आने से आपको कितना इफेक्ट पड़ रहा है. लेकिन इस वीडियो में मैं जो भी बात कहता हूं, जितने भी मार्क्स पे जो भी चीजें बताता हूं, वो आप बिल्कुल भी डिप्रेस मत होइएगा उस चीज से कि यार मेरे मार्क्स तो इससे कम आ रहे थे, सर ने तो कुछ और बताया था. या फिर आप ये मत सोचिएगा, खुश मत हो जाइएगा ज्यादा कि यार मेरे मार्क्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मतलब मैं तो सेफ हूं और तैयारी करनी यहां से छोड़ दूं, किताबें कर दूं बंद, चलो भाई पार्टी करते हैं. ये भी मत कीजिएगा. कोशिश कीजिएगा कि इसको आप एक पॉजिटिव वे में इंप्रूव करें अपने आप को उस मॉक टेस्ट की सीरीज से. तो आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें हम आपको बताते हैं कितने किसे कितने मार्क्स आने पर आप मॉक टेस्ट में सफल हैं. पिछली बार की जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 222 मार्क्स, यानी इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं 235 तक जाने की. तो अगर आपके मॉक टेस्ट में 235 के बजाय आपके मार्क्स आ रहे हैं 255 और 260, तो जी हाँ, आप एक सेफ स्कोर तक हैं कि आप फैकल्टी ऑफ लॉ के अंदर आ ही जाएंगे. लेकिन आप कोशिश यह कीजिए कि आपका जो स्कोर है वो 270 या 280 तक जाए, और कोशिश कीजिए जितना आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं उतना इंक्रीज करें मॉक टेस्ट से. अब एक चेतावनी यहाँ पर यह भी देना चाहूंगा, जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है, अब तक उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, वो मॉक टेस्ट के चक्करों में मत पड़े, अपनी तैयारी को पहले पूरा करें. क्योंकि टेस्ट आप तभी दे सकते हैं जब आपको नॉलेज हो, और आप बिना नॉलेज के अगर टेस्ट देंगे तो उसमें ही मार्क्स नहीं आएंगे और पढ़ाई भी नहीं होगी, तो दोनों जगह से टाइम खराब होगा. तो इससे बेटर है आप अपनी पढ़ाई कीजिए. अब अगर आपके 270 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आपको निश्चिंत होने वाली बात नहीं है. आप अपने टारगेट को बढ़ाइए, उसे 290-300 तक लेके जाइए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जितने मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं उसे 10 या 20 मार्क्स तो मिनिमम आपके कम होने ही होने हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में रियल प्रेशर होता है, रियल टाइम मैनेजमेंट होता है, और जो एक सिचुएशन होती है कि भाई क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन क्या नहीं आएंगे, वो मॉक टेस्ट में आप देखिए तो जस्टिफाई नहीं होता है. क्योंकि मॉक टेस्ट का एग्जाम पेपर जो सेट करते हैं वो हमारे आप जैसे ही लोग हैं, क्या पता किसी ने लॉ ना की हो वो भी मॉक टेस्ट का एग्जाम सेट कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे जैसा ही कोई आदमी ऑनलाइन टेस्ट अपडेट कर रहा हो और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर डाल रहा हो. तो कई बार क्या होता है आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे होते हैं, तो उस चीज से आपको डिप्रेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आप और मेरे जैसे इंसान हैं, कहीं ना कहीं से वो क्वेश्चन उठा के लाए हैं, बना तो सकते हैं नहीं क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, तो फिर फायदे वाली बात क्या है. अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि आपको प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा बूस्ट मिल जाता है कि हाँ भाई आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में हैं. दूसरा फायदा ये होता है कि आपको रियल टाइम एग्जाम की प्रैक्टिस होती है, और तीसरा फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको कौन कौन से एरिया में इंप्रूव करना है. तो इन तीनों चीजों को मॉक टेस्ट से पकड़िए और इन तीनों चीजों पर काम करिए. अब हम आते हैं एडमिट कार्ड कब तक आएंगे. तो देखिए, हर साल यूनिवर्सिटी जो है एडमिट कार्ड एग्जाम से 3-4 दिन पहले रिलीज करती है. इस बार जो हम एक्सपेक्टेड मान रहे हैं, टेंटेटिव कोई डेट होती नहीं है, ना कोई ऑफिशियली डेट रिलीज करते हैं एडमिट कार्ड के लिए. तो टेंटेटिवली हम ये मान रहे हैं कि 28-29-30 के बीच में एडमिट कार्ड आपका आ जाना चाहिए. मेरे पास काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी कि भाई एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे सर. तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 28-29-30 तक एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, और आपका एग्जाम जो है 3 जुलाई के लिए शेड्यूल्ड है, तो आप अपने रिजर्वेशंस बुक कर लीजिए. आपको अगर कहीं दूर जाना है तो रिजर्वेशन कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस में यही होता है 90% केसेस में कि आपने जो सेंटर भरा है वही सेंटर आपके लिए आता है, क्योंकि वैकेंसीज होती हैं, सीट्स होती हैं. तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आप रिजर्वेशंस कर लीजिए, आराम से बैठकर, ट्रेन में बैठकर, बस में बैठकर आराम से आइए और अच्छे से दिमाग को फ्रेश कर अपने एग्जाम को दीजिए. इसी के साथ हम इस वीडियो करते हैं खत्म. टाइम ज़्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, कीमती
समय है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब आप अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और नई वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।